जैन गाइस गाइस आज हम जानते हैं चीन ने एक बनाया आर्टिफिशियल सन जिसका टेम्परेचर रियल सन के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या इसका नाम है और क्या इसके फ़ायदे हैं। गाइस अभी हाल ही में चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने ईस्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमार्क। और गाइस आप इसका टेम्परेचर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इसका टेम्परेचर 120 मिलियन सेल्सियस जी 120 मिलियन, जो कि रियल सन के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। ये उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 101 सेकंड के लिए, लेकिन जब इन्होंने उसे दोबारा से ट्राई किया तो इससे भी कई गुना ज़्यादा यानी 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस 20 सेकंड के लिए इन्होंने वो टेम्परेचर प्रोड्यूस किया। और इसी के साथ उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इन्होंने सिर्फ ये एक ही नहीं बल्कि तीन तीन सूरज बनाए हैं। जी हाँ, तीन सूरज, जिसका पहले का नाम है ईस्ट, दूसरे का नाम है HL2A और तीसरे का नाम है HL2M। और इसने ये सूर्य बनाने में एक सक्सेस पा ली है। अब आप सोचेंगे इस सब में पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है, क्या सब चाइना की तरफ को देख रहे हैं? जी नहीं, साल 1985 में 35 देशों ने, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था, उन्होंने कसम खाई थी कि हम एक आर्टिफिशियल सन बनाएंगे पेरिस के अंदर। लेकिन आज तक वो कसम की कसम है, आज तक उसका कोई एक्शन लिया भी नहीं गया। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे ये काम कैसे करता है, तो मैं आपसे बता दूं, जैसे एक परमाणु बम होता है उसके अंदर एक नाभिक की क्रियाएँ होती है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी नाभिक की क्रियाएँ होती हैं। जैसे हमारी असली सन में होती हैं, हीलियम से हाइड्रोजन टकराता है और उससे एक नई नई चीज़ें बनती हैं, नई नई गैसें बनती हैं, ठीक इसी तरह इसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। आप अपनी नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ।